नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नित्य क्लासेस में। और जो आज का विषय हम बात करने वाले हैं वो विषय है यूपी टेट यानी टेट के बारे में। दोस्तों बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि एग्ज़ाम कब होना है। सबको डिक्लेयर हो गया है कि एग्ज़ाम अभी कोई फाइनल डेट नहीं आई है, क्योंकि 15 तारीख में जो है एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। सब कुछ कहाँ से फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, उस सब के बारे में जो जानकारी दी जाएगी। इसके बावजूद एक समस्या ये बनी हुई है, लेकिन ये कंफर्म है कि एग्ज़ाम जो है 22 से 30 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा, क्योंकि पहले जो तारीख थी वो 28 हुई, फिर 30 हुई, फिर 22 हुई। तो ये जद्दोजहद चल रहा है कौन सी डेट सही है, वो अभी फाइनल हो जाएगा 2-4 दिन में ही, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपी टेट का। लेकिन इससे बावजूद एक और बात चल रही थी कि हम लोग तैयारी कहाँ से करें और तैयारी कैसे करें, इस पर बड़ा संशय बना हुआ। सिलेबस क्या है उसका बेसिक जो आपको पढ़ना है, जहाँ से यूपी टेट आएगा और जहाँ के आंसर्स को यूपी टेट इवेल्युएट करेगा कि ये आंसर सही है। तो इस बारे में पूरी हम बात करने वाले हैं और ले चलते हैं आपको उस जगह पर जहां पर इसके बारे में पूरी न्यूज़ प्रकाशित हुई है, न्यूज़ बताई गई है। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आगे का वीडियो और देखते हैं वो न्यूज़ कि उस न्यूज़ में क्या कहा गया, क्यों ऐसा निर्णय लिया गया है कि सिलेबस में बदलाव और जो है किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आगे का वीडियो। फॉलो कर सकते हैं इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप अन अकेडमी पर। आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको सिर्फ सर्च करना है नित्या क्लासेस, और आप पाएंगे हमारे ढेर सारे वीडियोस डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। तो दोस्तों आज ही फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को एक अच्छी लर्निंग के लिए। तो दोस्तों मैं आपको ले आता हूं हिंदुस्तान पेपर के लाइव जो थर्सडे के यहां पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि यहां पर कुछ लिखा है उसको आप समझ लें। ये देखिए कब का पेपर है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पेपर है ये है दोस्तों थर्सडे 6 सितंबर का, पेज नंबर 10 गोरखपुर का पेपर है। तो यहाँ पर कुछ जो बातें लिखी गई हैं उसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि परिषदीय किताबों से होगा अगला टीटी। यानी अब ये अगला टीटी क्या है, इस न्यूज़ को बड़ा कर लेते, क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पूरी न्यूज़ खुल जाती है। आप इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में, क्या है क्या है इससे सब कुछ। तो देखिए, कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य है शिक्षा पात्रता टीईटी 8वीं तक की किताबों से होगी। यानी याद रखिएगा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की जो किताबें दी हुई हैं, कौन सी वाली इनको भी बताऊंगा मैं, कौन सी वाली किताबें दी हुई हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी से अक्टूबर में प्रस्तावित परीक्षा जो को प्रस्ताव भेजा गया है उसके अनुसार टीटी की पाठ्य वस्तु एससीईआरटी, यानी किससे होगी, एससीईआरटी की जितनी भी बुक लगी हुई हैं स्कूल्स में, यानी आप याद रखिएगा एससीईआरटी की जो बुक हैं, एससीईआरटी की बुक से मान्य कक्षा 1 से 8 में होंगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी अब यूपी टेट होने वाला है अक्टूबर में, इसका जो सिलेबस होगा, इसका जो पैटर्न होगा वो 1 से 8 तक का होगा। लेकिन एक बात और भी है कि दोनों में कन्फ्यूजन क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आगे एक और पैरा दिया है इसमें, इन्होंने कहा है हालांकि प्रश्नों की कठिनाई का स्तर 12वीं तक का होगा, लेकिन प्रश्न जो होंगे आधारित उस पर होंगे, लेकिन कठिनाई का लेवल 12वीं तक का होगा। टीटी के परिणाम में किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए यह रास्ता निकाला गया है। हर बार टीटी का परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थी एक ही प्रश्न के अलग किताबों में दिए गए भिन्न उत्तरों को लेकर आपत्ति कराते हैं। जैसा हुआ था कि 15 दिसंबर को जो रिजल्ट घोषित हुआ था उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे परिणामों पर घोषित आपत्ति जताई गई कि ये क्वेश्चन का आंसर ये इस बुक में ये दिया है, इस बुक में ये दिया है, इस बुक में ये दिया है, तो बड़ी समस्या हुई। एग्जाम का रिजल्ट जो है वो लेट हो गया। तो उन्होंने क्या काम निकाला कि आप चाहे किसी भी किताब से पढ़ें, कुल मिलाकर बात यह है कि आप किसी भी किताब से पढ़ लें, लेकिन जो उत्तर मान्य होगा वो जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के तथ्य होंगे उन पर आधारित होगा। यानी जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रश्न होंगे वो 1 से 8 तक के होंगे, और 1 से 8 तक के प्रश्नों के अकॉर्डिंग जो चीज़ लिखी हुई होगी एससीईआरटी की बुक से वही यूपी टेट में मान्य होगी। अदरवाइज देखो इसके आगे लिखा भी है, यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि इस बार सरकार ने दिसंबर से पहले ही टीटी और अगली 68,500 सहायक भर्ती परीक्षा को कराने को कहा है, लेकिन इसलिए अफसर किसी प्रकार का विवाद नहीं होने देना चाहते। यही कारण है कि परिषदीय किताबों की पाठ्य वस्तु को आधार बनाया जा रहा है ताकि हाई कोर्ट में पैरवी करने में आसानी हो, क्योंकि पैरवी करने में दिक्कत इसलिए हो रही थी कि लोग कह रहे थे कि इसमें ये दिया, इसमें दिया, कहाँ तक उनसे झगड़ा किया जा रहा, स्टूडेंट भी परेशान। तो एक अब आपको मोड मिल गया है कि आपको जो परीक्षा की तैयारी करनी है वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की बुक से करनी है। लेवल उसका हाई कर लीजिएगा, लेकिन जो उसका आंसर होगा वो मैथ किससे होगा, 1 से लेकर, आप किसी भी किताब से पढ़ लें, लेकिन उसका आंसर जो मान्य होगा, चाहे वो किसी बुक में कुछ भी लिखा है,
आपने किसी भी बुक से पढ़ा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ इससे पड़ेगा कि वो कक्षा एक से आठ तक की बुक में उसका आंसर क्या दिया है। तो दोस्तों ये एक बदलाव है और ये एक मौका भी है और ये आपको एक चेतावनी भी है कि आप अपनी तैयारी कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक की ऐसी आरटी की बुक से करें। तो दोस्तों हमने अपने इंस्टीट्यूट में ऐसी आरटी की बुक को मान्य किया है, हम ऐसी आरटी की बुक से ही यूपी टेट का जो पैटर्न है उसको फॉलो कराएंगे, क्योंकि जो मान्य न होने वाला है वो यही मान्य होने वाला है। और बाकी सारी बुक्स में चाहे कुछ भी लिखा है, चाहे वो आर्यंत की हो, चाहे वो प्राची की हो, चाहे वो साक्षी की हो, चाहे वो किसी पब्लिकेशन की बुक हो, लेकिन सही आंसर जो मान्य होगा वो कक्षा एक से छः तक का, सॉरी आठ तक का होगा। तो दोस्तों आप भी इस चीज़ को समझ लें और एक नई बुक अपनी परचेज कर लें, चाहे एक से आठ तक की हो, चाहे वो कोई ऐसी बुक लें जो एससीईआरटी पर डिपेंड हो और जो यूपी टेट के लिए बनी हो। तो जितनी पुरानी बुक्स हैं उनमें सब कुछ लिखा है, लेकिन हो सकता है वो बुक कहीं से कॉपी हो, किसी से लिया हो। इसके लिए अगर जो भी नई बुक आने वाली होगी उसके लिए बहुत जल्द मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ कि वो सही जो बुक है वो कौन सी है आपके लिए और कौन सी बुक से आप पढ़ें, जैसे कि आपको पता लग जाए। वो बहुत जल्द मैं बुक्स की एनालिसिस मैंने शुरू कर दी है, हमारे टीम ने शुरू कर दी है और जैसे भी होगा वो बताया जाएगा। इसके बाद इलाहाबाद 27 मई को आयोजित 500 की परीक्षा में किताबों पर आपत्ति लगाई गई थी कि क्वेश्चन गलत थे, तो सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी डॉक्टर सुता सिंह ने एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की 12वीं तक की अधिक किताबों से एक कक्षा आठ से बेसिक परिषद किताबों को साक्ष्य मान्य किया है। यानी साक्ष्य कौन सी बुक मान्य किया है, कक्षा एट से आठ तक की, एक से आठ तक की। इनके अलावा किसी और किताब से साक्ष्य पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए जाने वाली पुस्तकों का कवर पृष्ठ, द्वितीय पृष्ठ, लेखक आदि का विवरण, विषय सूची, इंडेक्स पेज एवं जिस पर पेज अंकित है वो स्पष्ट का प्रति संलग्न करनी पड़ेगी। यानी अब जो परीक्षा अक्टूबर में होगी इसके बाद अगर कोई आपत्ति के लिए लिंक खुलेगा उसमें आप ये चीज़ें उपलब्ध कराएंगे तो ही आपकी बात को समझा जाएगा और आपकी बात को माना जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के बारे में सब कुछ यूपी टेट के बारे में। तो बदलाव हो चुका है और आपके सामने मौका भी मिल गया है कि एक से आठ तक की किताब आपको पढ़नी है तो शुरू हो जाइए। यूपी टेट दूर नहीं और शिक्षा माध्यमिक परीक्षा 500 की जो भर्ती और जो पिछली भर्ती है इन सबको मिलाकर जो भर्ती होने वाली, इसमें देर नहीं। तो दोस्तों लग जाइए, नींद को भूल जाइए और पढ़ाई में लग जाइए। हमारी विशेष और हमारी मेहनत और हमारी ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ है, प्लस किसी को नोट्स चाहिए इस पर डिपेंड तो आप हमसे आकर के हमारे इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं हार्ड कॉपी में। तो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेसन के साथ और नई चीज़ों के साथ कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल, जिससे कि मैं आपको नई नई खबरें देता रहूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।